वन परिवहन एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने मंडी बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यटन सीजन के चलते लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बस अड्डा मंडी में रंग रोगन करवाने तथा आवश्यकता अनुसार डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर न फैले और सफाई व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने चालक परिचालकों के आराम कक्ष में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा ताकि उन्हें आराम करने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। गोविंद ठाकुर ने आवश्यकता अनुसार पिजन बॉक्स स्थापित करने तथा पुराने पिजन बॉक्स में रंग रोवन करने के लिए भी कहा। उन्होंने बस अड्डे पर लोगों को अतिरिक्त शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश भी जारी किए। इस अवसर पर उनके साथ पथ परिवहन निगम के मंडलीय प्रबंधन A.N. सलारिया तथा क्षेत्रीय प्रबंधक विनोद ठाकुर भी मौजूद रहे। आज मैं मंडी आया था क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग कल से है, तो अभी थोड़ी देर फ्री था तो सोचा कि मंडी का बस अड्डा देखा जाए, तो उसमें बस अड्डे के निरीक्षण पर निकला और अभी देख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या क्या है और क्या ऐसी आवश्यकता है जो आगे आने वाले दिनों के लिए काम करने चाहिए। और अभी यहाँ पर घूमते घूमते हमने देखा कि भाई अब पर्यटक सीजन भी आने वाला है, गर्मी आने वाली है, तो अब ये कुछ पहले ये है कि मैंने यहाँ पर HRTC के मैनेजमेंट को कहा है कि भाई कम से कम अब सीजन से पहले यहाँ पर पेंट शेड रंग रोग इत्यादि करके और सारी सुविधाएं यहाँ पर यानी पंखे ठीक होना, यहाँ पर बेंच लगना, डस्टबिन लगना और पेंट वेंट करके जो कुछ भी अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते करें ताकि आने वाले दिनों में जैसे गर्मियों का दिन आएंगे तो उससे पहले हमारी तैयारी अच्छी हो।